नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं सॉल्यूट के बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे, उसके अलावा जो हमारे पास इसमें पार्ट कॉम्पोनेंट्स आते हैं या पार्ट्स आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके नंबर के बेस पे, मतलब सॉल्यूशन होता क्या है इसकी पूरी निचोड़ आज देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने हमारे टर्म्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की हम करते हैं शुरुआत कि हमारे पास सॉल्यूशन होता क्या। तो सबसे पहले हम बात करें कि सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले ये आप जानते होंगे कि सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और फिर बात आती है, ये आप जानते होंगे, ये पिछले क्लासों में आप पढ़ के होंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में, फिर आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि क्या था और किस टाइप का था। पिछले आप जब क्लास आप पढ़ रहे थे 11th में, या आप छोटे क्लास में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़े थे कि मैटर होता है, और मैटर जो था वो दो टाइप का था, प्योर मैटर और अनप्योर मैटर, या उसी को हम बोलते थे मिक्सचर। ठीक, तो प्योर मैटर फिर आप डिवाइड करते थे एलिमेंट और कंपाउंड में, और फिर एलिमेंट को डिवाइड करते थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। फिर इधर देखते थे कंपाउंड, जो हमारे कंपाउंड होता था उसको भी आप डिवाइड करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे करके। इसके अलावा जो हमारा मिक्सचर था या अनप्योर मैटर था, उसमें हम लोग देखते थे ये होते थे दो टाइप का, एक होता था होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता था हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हम बात करते हैं थोड़ा मिक्सचर की, या मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं, मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, या मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी वाले जो होंगे उनके लिए मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रण। कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर हम सिंपल जानते थे कि मिक्सचर का मतलब था कि जब दो एलिमेंट को हम आपस में, दो एलिमेंट हो सकते हैं या दो हमारे मैटर हो सकते हैं, दो एलिमेंट को या दो मेटल को हम क्या करते हैं, मैटर को क्या करते हैं, आपस में फिक्स रेशियो में नहीं मिलाते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, जब मिलाते हैं बिना फिक्स रेशियो के, तो वहाँ पे हमारा जो कुछ भी बनता था उसी को हम लोग मिक्सचर बोलते थे। जैसे मान लीजिए कि हमको रस बनाना है, रस समझते होंगे ये चीनी और पानी का बनता है, ये शुगर और वाटर का बनता है। ये रस अगर हमको बनाना है तो इसमें हम कोई फिक्स रेशियो नहीं लेंगे, अपने हिसाब से चीनी ले लेंगे कि हमको ज़्यादा मीठा पीना है या कम मीठा पीना है, तो अपने एक मन से हम क्या कर लेंगे, चीनी और पानी ले लेंगे। मान लीजिए हमको चाय बनाना है तो अपने हिसाब से चाय पत्ती लेते हैं उसमें, चाहे चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं, जैसा हमको बनाना होता है अपने स्वाद के, टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे हम लोग इसको बनाते हैं, मतलब एक फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक, तो वही हमारा जो फिक्स रेशियो नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर। और जो मिक्सचर था ये जो मेनली होता है दो टाइप का होता है, एक था हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और एक था हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक था होमोजीनियस मिक्सचर और एक था हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो इनको अगर हिंदी वाले हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते थे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और इसको क्या बोलते थे आप लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण। इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक, दो टाइप के हमारे पास मिश्रण थे, एक था हमारे पास होमोजीनियस और एक था हमारे पास हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता था, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब था, मान लीजिए कि हम दो चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं शुगर और इसके साथ ले लेते हैं हम वाटर, इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, वाटर, शुगर और वाटर लेते हैं, और क्या करते हैं हम लोग दूसरी चीज़ में शुगर वाटर ले लिए, और फिर मान लीजिए हम ले लिए सोयल और फिर ले लिए वाटर। ठीक, इसका मतलब कि हम इसमें ले रहे हैं चीनी और पानी, और यहाँ मान लीजिए मिट्टी और पानी ले लिए। अब दोनों लेके आपस में बहुत बढ़िया से इसको आपस में मिक्सिंग करते हैं, बहुत बढ़िया से मिलाते हैं, मिलाएंगे बहुत बढ़िया से, तो हमको एक समय पश्चात जो ये शुगर है या जो चीनी है वाटर में बढ़िया से घुल जाएगा, वाटर में बढ़िया से घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो हमको दिखाई नहीं देंगे। ठीक, लेकिन जो सोयल होगी या सोयल का ही बोल सकते हम लोग, या जो मिट्टी हमारी होगी, या आप यहाँ पे चाहें तो बालू भी ले सकते हैं,
ठीक बालू ले लीजिए या मिट्टी ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, और पानी में डाल के बढ़िया से आप जब मिलाएंगे तो कितना भी बढ़िया से मिलाएंगे इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो जब किसी भी मिक्सचर में उसके घुलने के बाद, बढ़िया से मिक्सिंग करने के बाद उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, और जब उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर आप लोग बढ़िया समझ गए कि मिक्सचर क्या था। अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन हमारा क्या होता है, सोल्यूशन हमारा क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे सोल्यूशन की कि सोल्यूशन क्या चीज़ है, तो सिंपल यहाँ होता है सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। जो सोल्यूशन होता है एक समांगी मिश्रण होता है। किस चीज़ का समांगी मिश्रण होता है, टू या मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक जो हमारे पास घटक होते हैं या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनके जो हमारे पास समांगी मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन। तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हम लिख देते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ बोल लीजिए या कंपोनेंट बोल लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सोल्यूशन कहा जाता है। मिश्रण को सोल्यूशन कहा जाता है। सोल्यूशन का मतलब वही बिलियन कहा जाता है, ठीक, सोल्यूशन कहा जाता है। इसका अगर आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं सिंपल, कि हमारे पास दो चीज़ मिलने के बाद वो दिखाई ना दे, तो इसका एग्जांपल आपका हो सकता है सिंपल, मान लीजिए आपका एक शुगर है और शुगर के साथ आपका ले लिए वाटर, फिर ऐसे ही मान लीजिए कि और ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर साल्ट ले लेते हैं और साल्ट के साथ क्या ले लें फिर वाटर। तो साल्ट या शुगर को लेंगे जब वाटर में और लेके जब इसको आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद इसके इन दोनों के पार्टिकल्स होंगे आपको दिखाई नहीं देंगे, और जब दिखाई नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और जब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे तो इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, या इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बिलियन। तो बिलियन समझ गए या सोल्यूशन समझ गए कि जो हमारा सोल्यूशन होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का या घटकों का या अंगों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है या एक समांगी मिश्रण होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब सिंपल आपको पता है कि इसके कंपोनेंट होते हैं, इसके घटक होते हैं या इसके अंग होते हैं या इसके पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो, एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। इन दोनों से ही हमारा क्या होता है, हमारा सोल्यूशन बना होता है। मतलब कि सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट से और दूसरे सॉल्वेंट से। मतलब अब वही है कि जो बिलियन होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक बिलिय से और दूसरा बिलायक से। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, बिलियन या सोल्यूशन, ठीक। तो इसके दो पार्टिकल्स होते हैं। और फिर बात आएगी, सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें किसी भी सोल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। बहुत सिंपल है और ये बहुत बढ़िया से आप जानते भी हो। जैसे मान लीजिए कि हमको रस बनाना था, क्या बनाना था, रस, चीनी और पानी लेके हमको रस बनाना है। तो रस बनाने के लिए आप किसकी मात्रा कम लेंगे, किसकी मात्रा कम लेंगे कि वो हमारे पास रस बन के आ जाए। रस का मतलब समझते हैं, चाशनी नहीं बनाना आपको, रस बनाना है। तो रस बनाना है तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम पानी को ज़्यादा ले लें, पानी को हम ज़्यादा ले लें और चीनी को कम लें तो हमारा रस बनेगा। लेकिन वही हम चीनी की अगर हम अमाउंट को या चीनी की मात्रा को हम बढ़ा दें तो उस स्थिति में जो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आएगा या जो हमारे पास सोल्यूशन बन के आएगा वो हमारे पास रस नहीं होगा, वो हमारे पास चाशनी जैसा होगा। चाशनी का मतलब गाढ़ा टाइप का होगा और जो रस होगा वो पतला होगा। तो वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है इसके दो पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो बिलियन में हमारे पास जो बिलियन होता है उस बिलियन में लेस अमाउंट में एकत्रित होता है या लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे अभी हम नीचे पीछे एग्जांपल लिखे थे एक शुगर लिए थे हम लोग, या इसी को हम बोलते हैं चीनी, और एक हम लोग लिए थे वाटर, इसको बोलते हैं पानी। और इन दोनों को लेके हम क्या बनाए थे, हम लोग बनाए थे रस अपना, ठीक, या उसी को हम बोलते थे चीनी का बना हुआ हमारे पास जूस बोल सकते हैं आप लोग, जूस बनाए या रस बनाए, ठीक। तो होता क्या है कि जब इन दोनों को हम लेके आपस में मिला के बनाते हैं क्या चीज़, सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में हमारे पास, इस सोल्यूशन जो हमारे पास बना है, इस सोल्यूशन में हमारे पास जो शुगर होगी
वाटर की तुलना में, वाटर के कंपेयर में क्या होगी, इसकी मात्रा लेस होगी या इसकी मात्रा कम होगी। ठीक, इसकी मात्रा लेस होगी या इसकी मात्रा कम होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी तुलना में अधिक होगी, या बोल सकते हैं कि इसकी मात्रा क्या होगी, बहुत अधिक भी हो सकती है या अधिक होगी। तो जब अधिक होगी या मोर अमाउंट में यह इसमें प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे साल्वेंट और इसको बोलेंगे सैल्यूट। और ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा चीनी होगा ये इसमें जाके घुलेगा, इसमें जाके डिसॉल्व होगा। जब इसमें डिसॉल्व होगा तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सैल्यूट होता है उस साल्वेंट में जाके क्या होता है, डिसॉल्व होता है या डिसॉल्व होता है या जाके उसमें घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। तो जब घुल जाता है तो जो घुलता है उसको सैल्यूट बोलते हैं, और जो अपने अंदर घोल लेता है, जो अपने अंदर घोल लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग साल्वेंट। सिंपल समझ लीजिए कि सैल्यूट क्या होता है और साल्वेंट क्या होता है। तो सिंपल अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं कि समथिंग विच प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सैल्यूट, और समथिंग विच प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन मोर अमाउंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, सैल्यूट, सॉरी साल्वेंट। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलाय कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप समझ गए होंगे कि हमारे पास सैल्यूट क्या होता है और साल्वेंट क्या होता है। सिंपल याद रखिएगा कि जो कुछ भी हमारे पास सॉल्यूशन में कम रहेगा उसे सैल्यूट, और जिसकी मात्रा हमारे पास अधिक रहेगी उसको साल्वेंट कहेंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे हम थोड़ा बात करते हैं, आगे वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जो सॉल्यूशन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सैल्यूट से और दूसरे साल्वेंट से। अब देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसमें इसके पार्टिकल्स बहुत कम है, और इसको ले आके जब हम क्या करें इसमें रखे हैं तो ये मिलके हमारे पास क्या बना है, सॉल्यूशन, क्या बना है, सॉल्यूशन। तो इसकी कंपेयर में इसकी क्या है, अमाउंट ज़्यादा है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे साल्वेंट, और इसकी अमाउंट क्या है कम तो इसको बोलेंगे सैल्यूट। यहाँ तक दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आगे हम थोड़ा बात करते हैं कि हमारे पास यदि जो साल्वेंट है, जो साल्वेंट है वो वाटर हो, जो साल्वेंट हो या वो क्या हो, वाटर हो, जो साल्वेंट हमारे पास है वो वाटर के फॉर्म है, तो जब वाटर होकर होगा, जो साल्वेंट वाटर होगा तो उस स्थिति में हमारे पास, उस स्थिति में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सोल्यूशन आपके उस स्थिति में दो टाइप के होते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन होता है और एक नॉन एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस का मतलब बोलते हैं हम लोग जलीय विलयन होता है, क्या होता है, जलीय विलयन होता है, और एक आपका होता है गैर जलीय विलयन, गैर जलीय विलयन। देखिए जब किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर जब प्रेजेंट होता है साल्वेंट के फॉर्म में, तो हमारे पास सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक एक्वस या जलीय विलयन, और एक होता है हमारे पास नॉन एक्वस, या इसी को बोलते हैं हम लोग गैर जलीय विलयन। सिंपल यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एक्वस। मतलब जब हमारे पास जो सैल्यूट होता है वो वाटर के फॉर्म में क्या हो, वाटर के फॉर्म में साल्वेंट में घुले, तो उसको हम बोलेंगे जलीय विलयन। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि साल्ट जो था वो किसमें घुल जाए, साल्ट जो वाटर में घुल जाए, या बोल सकते हैं जो नमक था वो किसमें घुल रहा था, नमक, और मान लीजिए कि हम ले लिए पानी का, नमक और पानी का ले लिया मिक्सचर, तो नमक और पानी का मिक्सचर लेंगे तो इसमें साल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, और जब वाटर होगा तो ये किस टाइप का हमारा सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन। अब मान लीजिए कि हम यहाँ देखिए, यहाँ हम ले लिए आयोडीन और कार्बन, आयोडीन कार्बन के फॉर्म में, कार्बन कार्बन टेट्राकोलाइड के फॉर्म में, तो कार्बन को हम ले, आयोडीन को ले रहे हैं कार्बन टेट्राकोलाइड के फॉर्म में, तो इस स्थिति में यहाँ पे हमारे पास वाटर नहीं है, और जब वाटर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। मतलब सिंपल समझ लीजिए कि हमारे पास जब वाटर हमारे होते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें हमारे पास वाटर होता है उस सॉल्यूशन को एक्वस बोलते हैं, जिसमें हमारा वाटर नहीं होता उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी वाले होंगे बहुत सिंपल लिख लेंगे कि जब हमारे पास जो विलेय होता है वो जल में घुलता है तो उस विलयन को जलीय विलयन कहते हैं, और जब हमारे पास जो विलेय होता है वो जल में नहीं घुलता है, किसी और में घुलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैर जलीय विलयन। ठीक, अगर कहेंगे तो इसको लिख भी दिया जाएगा, इसको लिख भी देते हैं, कहें कि आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हमको हिंदी में भी चाहिए, तो हिंदी वाले भी सिंपल लिख सकते हैं जलीय विलयन का डिफिनेशन, जलीय विलयन एक का लिखते हैं और एक का आप खुद से लिख लीजिएगा। इसका बोल सकते हैं जब विलेय
विलय जल वाले विलायक में घुलता तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। ठीक, उसे जलीय विलयन कहते हैं, सिंपल रूप से बोल सकते हैं। और बस यहाँ बोल देंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें नहीं घूमता है, यह जल वाले सॉल्यूशन के अलावा किसी अन्य सॉल्वेंट में घुलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसका एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल। इसमें मान लीजिए आपका एग्जांपल वही हो गया नमक और पानी। ठीक, यहाँ वही से लिखा है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, यहाँ भी है कॉपर सल्फेट इन वाटर। ठीक, आगे देखिएगा, आगे आपके पास है अब फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है टाइप। इसके पहले भी हम क्या देख रहे थे, सॉल्यूशन का टाइप ही, इसके पहले भी क्या था, ये है सॉल्यूशन का टाइप। सॉल्यूशन का टाइप मान के चलिए सॉल्यूशन का टाइप नंबर फर्स्ट, अब बात करते हैं सॉल्यूशन का टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप ही है सॉल्यूशन का। अब टाइप का सेकंड जो सॉल्यूशन है, इसका टाइप जो होते हैं अब उनके कंपोनेंट के बेस पे होते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं बाइनरी भी आएगा एक यहाँ पे। ठीक, पहला जो सॉल्यूशन होता है इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुअंगी विलयन। बाइनरी का मतलब जिसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, और एक होता है पॉलिनोमी, इसको हम बोलेंगे द्वि अंगी विलयन, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो। एक होगा हमारा त्रि अंगी विलयन, एक को बोल सकते हैं हम लोग चतुर अंगी विलयन, जिसमें हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं, त्रि अंगी विलयन। ये कहाँ गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख दिया जाएगा। ये हमारा होता है द्वि अंगी विलयन, ये हमारा होता है त्रि अंगी विलयन विलयन। और ये हमारा होता है चतुर, बोल सकते हैं आप लोग चतुर्थ अंगी विलयन, या इसके अलावा इसको और भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं बहुअंगी विलयन। इनका मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। अब यार एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हमारा सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट का नंबर होगा, हमेशा सॉल्वेंट का जो नंबर होगा वो हमेशा एक होगा। हमारे पास सॉल्यूट के जो नंबर होंगे ऊपर घट सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इसका एग्जांपल भी हम देंगे। सॉल्वेंट जो होता है हमेशा एक होगा, और सॉल्यूट जो होगा ऊपर घट सकते हैं, जो सॉल्यूट होंगे क्या होंगे, बढ़ घट सकते हैं। तो जो आपके पास सॉल्वेंट है ये हमेशा कितने होते हैं, एक, लेकिन सॉल्यूट बढ़ घट सकते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम पानी ले लिए, और पानी में क्या मिला दिए, चीनी। तो पानी और चीनी हम ले लिए, और पानी चीनी में जब आपस में मिला दिए तो हमारा ये बन गया एक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बना है पानी और चीनी के साथ, तो अगर पानी की बात करें तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया। ठीक, पानी और चीनी के साथ बहुत लोग होते हैं, पानी चीनी के साथ नमक भी लेते हैं, तो पानी चीनी के साथ नमक ले रहे हैं, तो नमक जब ले रहे हैं तो एक और सॉल्यूट हमारा बन गया। तो इसमें सॉल्यूट कितने हो गए, दो। मान लीजिए इसके साथ बहुत लोग होते हैं कि कोई और मटेरियल ले सकते हैं, सोडा वाटर में जब बात करते हैं तो बहुत सारी मटेरियल डाला जाता है, तो मान लीजिए इसमें कोई भी और मटेरियल ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूट जो था वो तीसरा भी आ गया। ऐसे भी और चीज़ें हम घर पर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दाल बनाते हैं तो पानी के अंदर दाल डालते हैं, उसके अलावा भी नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो जब उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है वो एक होता है, लेकिन सॉल्यूट बहुत सारे होते हैं। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं उनके वजह से जो हमारे पास यह जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, इनके नंबर के बढ़ने और घटने की वजह से, यहाँ बोल सकते हैं केवल सॉल्यूट के नंबर के बढ़ने और घटने से हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं बोल सकते हैं दो तीन टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। बाइनरी या द्वि अंगी विलयन का मतलब होता है
इसका मतलब है अंग के आधार पर विलयन का प्रकार। तो बाइनरी या द्विअंगी विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अंग हो, जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, एक सैल्यूट हो और दूसरा साल्वेंट हो, एक सैल्यूट और एक साल्वेंट हो। तो ऐसे हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे हम सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी। और जब किसी भी सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट आते हैं, कितने कंपोनेंट आते हैं, तीन, एक सॉल्वेंट का और दो सॉल्यूट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्नरी, उसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी। और जब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में, जब किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और तीन का आते हैं सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं बहुअंगी में ले जाएंगे तो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, या इसको और भी नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ जब आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन इरेज का नहीं हो रहा कभी कभी, कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्यूशन, यहाँ सिंपल आप बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक हमारे पास क्या होता है सॉल्वेंट होता है और एक हमारे पास सॉल्यूट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी, ठीक। और यहाँ बोल सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट और एक के अलावा, मतलब दो हो जाएंगे आपका सॉल्यूट, ठीक। यहाँ बस आपके पास कितने, यहाँ आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे दो, यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे तीन, यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे चार। तो चार किस टाइप होंगे, तो एक सॉल्वेंट हो जाएंगे और यहाँ पे दो से अधिक, मतलब तीन क्या हो जाएंगे आपके पास सॉल्यूट, ठीक। इसका एग्जांपल आप सिंपल आपको बता दिया है कि वाटर के अंदर क्या ले लीजिए, वाटर के अंदर मान लीजिए आप पहले ले लीजिए शुगर, और शुगर के साथ क्या ले लिए आप, मान लीजिए इसके साथ ले लिए साल्ट, और साल्ट के साथ मान लीजिए कि आप ले लिए किसी और चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, इसके साथ एक सॉल्यूट, तो ये हो गया बाइनरी। जब एक सॉल्वेंट है और इसके साथ दो सॉल्यूट, तो ये हो गया हमारे पास टर्नरी। एक सॉल्यूट है और इसके साथ मान लीजिए कि और एक और क्या आ गया सॉल्यूट, तो उस स्थिति में हमारे पास हो जाएगा ये क्वार्टरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ये तीन टाइप हो सकते हैं, किसके बेस पे, कंपोनेंट के बेस पे। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूट होता है, इसके बेस पे जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ये फाइव टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, फाइव टाइप के। ये इसका मतलब हो गया विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार। अब ये कितने टाइप के होते हैं, पांच टाइप के। कौन कौन सा होता है, तो इस चीज को देख लीजिए। एक आपका होता है सिंपल डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में बोला जाए तो तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। थोड़ी बात करते हैं कि ये होते क्या है या किसे कहा जाते हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि किसे कहा जाता है सॉल्यूट विलयन, सॉरी किसे कहा जाता है डाइल्यूट विलयन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन, या किसे कहा जाता है तनु विलयन। तो इन सबका डिफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर अभी तक आप समझ गए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप आगे की चीज़ें समझ सकते हैं। थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है या तनु विलयन क्या होता है। एक चीज़ को जानिएगा, तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अब आप किस चीज़ को पतला कहते हैं, किस चीज़ को गाढ़ा कहते हैं, और किसी चीज़ को अगर आपको पतला बनाना हो तो क्या करेंगे, और किसी चीज़ को गाढ़ा बनाना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि आपको हम पानी दे देते हैं और चीनी देते हैं, पानी और चीनी देते हैं, ठीक। पतला गाढ़ा आपके अकॉर्डिंग डेंसिटी को लेके हो सकता है कि जो डेंसिटी जिसकी हमारे पास क्या हो, कम हो, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम, और जिसकी डेंसिटी क्या हो, अधिक। डेंसिटी जिसकी अधिक हो गाढ़ा हो सकता है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पतला हो सकता है, ठीक। आगे देखिएगा, मान लीजिए आपके पास दो चीज़ हम दे दिए, पानी और चीनी, और बोले कि आप गाढ़ा बनाइए और पतला बनाइए। तो जब आपको पतला बनाना होगा तो आप कहेंगे सर पानी, मान लीजिए जिसे हम एक लीटर पानी ले लिए, और एक लीटर पानी में हम क्या कर रहे हैं, एक लीटर पानी में क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम चीनी डाल लें, 100 ग्राम बहुत हो जाएगा, फिर भी 100 ग्राम चीनी डाल लें, ठीक। चलिए 100 ग्राम क्या डालें, चीनी डालें। तो 100 ग्राम जब चीनी डालें तो हमारा कुछ ना कुछ बन के आएगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि एक लीटर वाटर ले रहे हैं और इसमें 500 ग्राम का डाल रहे हैं, 500 ग्राम डाल रहे हैं चीनी।
500 ग्राम जब इसमें चीनी डालेंगे तो बताइएगा कि ये भी हमारे पास सोल्यूशन बन के आएगा और ये भी हमारा सोल्यूशन बन के आएगा। दोनों सोल्यूशन बन के आएंगे तो आप बताइए कि कौन सा सोल्यूशन हमारे पास गाढ़ा होगा, कौन सा पतला होगा। तो आप बोलेंगे कि सर नॉर्मल बात है कि ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, पतला होगा, और इसमें हम क्या किए हैं, इसमें सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा दिए हैं, इसकी अमाउंट को बढ़ा दिए हैं, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला हमारे पास होगा गाढ़ा। तो आप पहचान जाए कौन सा हमारे पास पतला होगा, कौन सा गाढ़ा होगा। तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पहचानना है, वही सेम चीज़ तो आपको यहाँ पहचानना है। किस तरह पहचानना है, तो यहाँ समझिए, जब किसी भी सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, जो सॉल्यूट हमारा इसका अमाउंट होता है वो कम हो, ठीक, तो कम जब होगा तो उसको बोलेंगे डायल्यूट सॉल्यूशन, या उसी को बोलेंगे हम लोग तनु विलयन, ठीक। अभी आगे आएगा उसी को अभी हम लिख देंगे हिंदी में, हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना, आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको बताई जाएंगी। आगे देख लीजिएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, अधिक, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, मोर होगा या अधिक मात्रा में होगा, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या उसी को बोलेंगे हम सांद्र विलयन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। अब समझिएगा, तीन चीज़ हमारे पास है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन तीनों को समझेंगे। पहले दो चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं, तनु और सांद्र को, ठीक, उसके बाद हम तीनों की बात करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम सिंपल बोल दिए कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें डाइल्यूट जो हमारे पास होता है, ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट का मतलब बोले तो विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया कि ए सॉल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो या लेस इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट की मात्रा होती है, या सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो कम मात्रा में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ कम लिखा गया वहीं आपको अधिक लिख लेना है। तो यही किसी हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे जब देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अगले के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग सांद्र विलयन, ठीक, इसको हम कैसे बोलते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें, और ये याद रखिएगा ये गाढ़ा होता है, गाढ़ा आप याद रखेंगे तो सिंपल आप जान जाएंगे, कि हमारे पास गाढ़ा अगर किसी चीज़ को बनाना है तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा को क्या करना होगा, अधिक रखना होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होता है उसे सिंपल क्या बोलेंगे, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, तनु विलयन और सांद्र विलयन में यहाँ लिखा भी है वही चीज़, और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया। इसमें अगर डाइल्यूट में देखेंगे तो ये आपको पतला दिखेगा, और ये देखिए गाढ़ा दिख रहा है, तो ये जो गाढ़ा दिख रहा है इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, और इसके जो पार्टिकल्स हैं इसमें कम पार्टिकल्स हैं, ठीक, या स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें है, और इसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट में क्या चीज़ है, सॉल्यूट है, तो जिसमें लार्ज अमाउंट में होता है उसे सांद्र, और जिसमें हमारे पास लेस अमाउंट में होता है उसे डाइल्यूट कहते हैं। आगे अगर हम बात करें सैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड के बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड के बाद सुपर सैचुरेटेड। तो इन तीनों के अगर हम बात करें, तो पहले इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। इनको समझने से पहले आप समझिए एक चीज़ को, जैसे आप लोग घर पे लड़की आप अगर होंगी तो आप लोग चाय वो बनाती होंगे घर पे, या लड़के भी बहुत सारे होते हैं जो चाय वो बनाते हैं। जब मान लीजिए कि आप चाय बनाने जाते हैं, ठीक, तो आपका मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है, जिस गैस उसका आप यूज करते हैं या जिस चीज़ का भी यूज करते हैं आप, हीटर गैस या जो भी चीज़ आपके पास है उसका यूज करते हैं, और उसका टेम्परेचर जो फिक्स हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स है, और उस टेम्परेचर फिक्स पे आप मान लीजिए कि चाय बनाना शुरू किए और चाय क्या किया आप बना लिए, चाय किया बना लिए, ठीक, यहाँ से समझिएगा इस चीज़ को, फिगर भी बनाया गया इस चीज़ को, वही सेम चीज़। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यही, अच्छा पहले अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड, फिर सुपर सैचुरेटेड। फिर से समझिएगा, हम क्या बता रहे थे कि एक मान लीजिए कि आपके पास जो टेम्परेचर वो फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स होगा तो आप क्या करेंगे उसमें उसमें मान लीजिए कि चाय बना रहे थे आप, तो चाय बना रहे थे उसमें चीनी डालेंगे, मान लीजिए दूध और चाय पत्ती ऑलरेडी डाल दिए, चीनी आपको डालना है, क्या डालना है, चीनी, और चीनी आप जानते हैं कि चीनी जो होता है आपका सल्यूट का काम करता है, सल्यूट का क्या करता है, काम करता है, कौन सा, शुगर जो होता है हमारे पास, चीनी जो होता है उस सल्यूट का ही काम करेगा। तो मान लीजिए कि आप सिंपल समझिएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है हिंदी बोले तो संतृप्त विलयन, इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन क्या होता है, तो यह ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, ठीक, जो हमारे पास विलेय होता है वो जो होता है विलेय का मतलब सल्यूट, मात्रा में अधिक मात्रा में उसमें घोला जा सके। मतलब क्या था कि मान लीजिए कि आपका जो चाय बना रहे थे, उस चाय पे जब चाय बना रहे थे आप लोग, तो चाय जब बना रहे थे तो उसमें मान लीजिए कि एक फिक्स टेम्परेचर था या स्पेसिफिक टेम्परेचर था, उस स्पेसिफिक या फिक्स टेम्परेचर पे आप चीनी की मात्रा को और मिला सकते थे, चीनी जो था उसको और मात्रा में मिला सकते थे। तो जब चीनी की और मात्रा को आप मिला सकते थे या चीनी को और मात्रा में आप मिलाते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड सोल्यूशन या विलयन, ठीक। वही सेम चीज लिखा है कि ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, सॉरी फिर से क्या था कि जो सल्यूट होते हैं उनकी और मात्रा को, मतलब चाय बनने के बाद, चाय जब आप बना रहे थे तो चाय बनाने के टाइम आप उसमें सल्यूट की मात्रा को, जो सल्यूट था उसकी मात्रा को आप नहीं मिला सकते थे, तो नहीं मिला पाएंगे, अर्थात चीनी उसमें और नहीं मिला पाएंगे, तो उसमें मिलाने के बाद लगे दिखेगा, मिलाने के बाद वो दिखेगा, जब नहीं मिला पाएंगे तो वैसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जब कौन में मिला लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक, या इसी को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त। मतलब समझिएगा कि आप चाय बना रहे थे, ठीक, चाय बनाना शुरू किए थे और चाय बना लिए थे, इसमें दो चीज़ ऑलरेडी पड़ चुका है, मिल्क डाल चुके हैं और जो चाय पत्ती आती है उसको डाल चुके हैं, दो चीज़ डाल चुके हैं, चीनी आपको डालना है, और मान लीजिए कि आप चीनी डाल दिए, और चीनी डालने के बाद, चीनी जब आप डाले हैं तो चीनी डालने के बाद जब इसमें घुल जाएगा तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड, घुल जाएगा तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, और नहीं घुलेगा बढ़िया से तो हमारे पास हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ये है कि जब आप किसी फिक्स टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा को घोल सकते हैं या और अधिक सल्यूट की मात्रा को घोल सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और नहीं घोल सकते हैं उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और जिसमें घोल सकते हैं उसको अनसैचुरेटेड। आगे हम थोड़ा अगर बात करें सुपर सैचुरेटेड की स्थिति, कि सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक, अभी इन सबको हम लिख भी देंगे हिंदी में, नीचे यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए हिंदी वाले, इसका मतलब क्या था, इसको हिंदी में लिखना जो चाहे वो लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया जाएगा संतृप्त विलयन। जब एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलेय के और अधिक मात्रा को
नहीं घोला जा सकता, नहीं नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कहते हैं ठीक, संतृप्त विलयन कहते हैं। और देखिएगा सिंपल कि जब इसमें किसी में हम घोल सकते हैं, जहाँ पर लिखे हैं नहीं घोला जा सकता, वहीं अनसैचुरेटेड में आपको लिख देना है कि जिसमें हम घोल सकते हैं उसको बोलेंगे हम असंतृप्त, और जिसमें नहीं घोल सकते हैं उसको बोलेंगे हम लोग संतृप्त। आगे हम बात करते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, ये समझिएगा। मान लीजिए आप चाय बना लिए हैं, या चाय बना रहे हैं ठीक, और चाय बना रहे हैं तो मान लीजिए आप दो कप चाय बनाएं, कितने चाय बनाएं, दो कप आप चाय बनाएं, और दो कप चाय बनाएं तो दो कप में मैक्सिमम जो चीनी आप डाल सकते थे वो आप एक चम्मच डाल सकते थे, कितना डाल सकते थे, एक चम्मच जो मैक्सिमम डाल सकते थे चीनी वो एक चम्मच डाल सकते थे ठीक, एक चम्मच आप डाल सकते थे चीनी। अब मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर था, जो आप चाय बना रहे थे, इसका टेम्परेचर मान के चलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस था, ये मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही था, मान लीजिए 125 डिग्री सेल्सियस था, मैंने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मान लीजिए क्या था, 125 डिग्री सेल्सियस था। हम क्या बोले, मान लीजिए आप चाय बना रहे थे और आप दो कप चाय बना रहे थे, और इस दो कप चाय में आप मैक्सिमम जो चीनी डाल सकते थे वो एक चम्मच डाल सकते थे, कितना डाल सकते थे, एक चम्मच ठीक। और इसका जो टेम्परेचर था कितना, 125 डिग्री सेल्सियस, और आप इस एक चम्मच चीनी को डाल दिए, लेकिन अब आप इसमें और चीनी डालेंगे तो वो घुलेगा इसमें बढ़िया से नहीं, तो आप क्या करते हैं कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इसका टेम्परेचर कर देते हैं अब 140 डिग्री सेल्सियस, और 140 डिग्री सेल्सियस करने के बाद इसमें एक चम्मच चीनी और डाल देते हैं, या थोड़ा सा चीनी और डालते हैं। जब चीनी और डालते हैं तो चीनी इसमें जाके घुल जाती है, और घुल जाती है तो आप अपना टेम्परेचर पुनः फिर से 125 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, और 125 डिग्री सेल्सियस करने के बाद इसमें विलेय की और अधिक मात्रा भी घुल गई, और जो सोल्यूशन था उस सोल्यूशन जो था सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही रह गया ठीक। मतलब था कि इसमें हम सैचुरेटेड सोल्यूशन था, सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते थे, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा के सोल्यूट की मात्रा को ला के क्या कर दिए, घोल दिए, घोल के टेम्परेचर फिर अपना जहाँ था उतना ही कर दिए। तो इससे जो सोल्यूशन होते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या अति संतृप्त विलेय। वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक दिए गए टेम्परेचर पे ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है कंटेंट करता है मोर सोल्यूट देन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन थे जिनमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते थे ठीक, लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो विलेय की मात्रा को घोल सकते थे सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी तो बता सकते हैं, हिंदी वाले लिखना तो लिख लीजिए कि ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को संतृप्त विलयन में घोला जा सकता है, या ऐसा विलयन जिसमें विलेय के घुलने की जो क्षमता होती है वो सैचुरेटेड जो सोल्यूशन होते हैं या जो संतृप्त विलयन होते हैं उनसे अधिक होती है, या संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, और दिक्कत परेशानी है तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि पाँचों जो था उनके बारे में ठीक। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फिर इसके पहले हम बात कर लेते हैं फिर से कि सैचुरेटेड क्या था, अनसैचुरेटेड क्या था, और सुपर सैचुरेटेड क्या था। तो हम सिंपल बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप दो कप चाय बना रहे हैं और इस दो कप चाय में आप मैक्सिमम एक चम्मच चीनी डाल सकते हैं, वो आप डाल दिए, और फिर आप चाहते हैं चीनी डालना तो आप इसमें नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि डालेंगे तो चीनी अच्छे से घुलेगी नहीं, तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसको आप बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको बोलेंगे आप सैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लीजिए कि आप दो कप चाय बना रहे थे, मैक्सिमम एक चम्मच चीनी डाल सकते थे ठीक, लेकिन आप जब
जब क्या कहिए चीनी की और अधिक मात्रा को डाले या चीनी की मात्रा को डाले, तो चीनी की मात्रा डालने पर इसमें वो घुल गई, तो ऐसा जो सोल्यूशन था उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लीजिए कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दिए और फिर उसमें चीनी को डाल दिए और फिर वो घुल गया उसमें, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तीनों समझ में आ गया होगा, अब इसमें दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सिंपल था कि जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट था उसकी अगर जो मात्रा है, सोल्यूट की जो मात्रा कम होगी तो डाइल्यूट और सोल्यूट की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। ठीक, जो अवयव होते हैं या जो घटक होते हैं या जो हमारे पास कण होते हैं, अर्थात जो हमारे पास सोल्यूट होते हैं या जो सॉल्वेंट होते हैं, इनके अवस्था के आधार पे हमारे बिलियन कितने टाइप के होते हैं या सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये कितने टाइप के होते हैं, नौ टाइप के। नौ टाइप कैसे, तो आप पढ़े होंगे कि हमारे पास जो मैटर होता है उसके थ्री स्टेट होते हैं। एक हमारा सिंपल स्टेट हमारा होता है सॉलिड स्टेट, एक होता हमारा लिक्विड, ठीक, और एक होता गैस। तो यहाँ नौ कैसे बन गए, तो हमारे पास तीन बनेंगे गैस के, ठीक, गैस गैस गैस, तीन बनेंगे हमारे पास किसके, लिक्विड के, और तीन बनेंगे सॉलिड के। जैसे गैस में गैस को मिलाइए, गैस में क्या करिए, गैस को मिलाइए, मतलब है कि गैस में गैस मिलाने का क्या मतलब था, गैस में गैस मिलाने का ये मतलब है कि आप मान लीजिए कि ऐसा एक सोल्यूशन लीजिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस के फॉर्म में है, दोनों किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। और ये जो आपके पास ये दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में दिया है, और आपका डोमेन जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक, डोमेन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो टोटली एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, और एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब उससे जितना चीज़ें उसे ही सब पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिस उससे बाहर ही करना और बढ़िया से प्रैक्टिस करना। और जितने चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे, इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन आए उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे थोड़ा समझिएगा, आगे समझिएगा, हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास गैसियस जो सोल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, गैस गैस का सोल्यूशन, लिक्विड गैस का सोल्यूशन, सॉलिड गैस का सोल्यूशन। ठीक, ऐसे जो लिक्विड सोल्यूशन वो भी तीन टाइप के, गैस लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। जैसे इस चीज़ को समझिए, हमारा जो सोल्यूट है वो भी गैस में है और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो भी गैस में है। सिंपल जैसे देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमारे पास होता है और जो नाइट्रोजन गैस होता है ये दोनों एटमॉस्फेयर में होते हैं और इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है वो गैस गैस के ही फॉर्म में होता है, तो ऐसा सोल्यूशन को हम बोलेंगे गैस गैस का सोल्यूशन और इसको बोलेंगे गैसीय सोल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पे लिक्विड है और फिर गैस है, तो यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म सुनोगे। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जिसको आप बेहोश करने के लिए या किसी भी लोग जो होते हैं उनको बेहोश होश करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ क्या ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म के साथ आप नाइट्रोजन गैस ले लीजिए। ठीक, ऐसा ही आपके पास सॉलिड और गैस ले सकते हैं, सॉलिड गैस में आप ये ले सकते हैं, कपूर देखे होंगे, कपूर भी ले सकते हैं, जो कपूर का होता है गैस के फॉर्म में जाता है उसको भी ले लीजिए। ठीक, और भी चीज़ें होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। गैस और लिक्विड में आप अगर चाहें तो गैस और लिक्विड में आप देख सकते हैं, सिंपल कि वाटर में कोई भी गैस ले सकते हैं। आगे आप देखिए लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड में देखा कर देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, जब शराब या अल्कोहल का यूज करते हैं तो उस स्थिति में वो पानी में क्या करते, सॉरी, जो हमारे पास वाइन होता है या जो शराब होता है उसमें लोग पानी मिलाते हैं, क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो जो हमारा वाइन होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में, और जो पानी भी होता है किस फॉर्म में, लिक्विड में। तो इससे जो हमारा सोल्यूशन बन के आता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक, तो ऐसा ही सोल्यूशन है, और ये पूरी आपको जो फोटो दिख रही है ये पूरी फोटो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगी। तो ऐसा ही एग्जाम्पल है जिनको आप याद कर सकते हैं। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, खासकर इनके इन एग्जाम्पल को आप जरूर देख लीजिएगा। मैचिंग जो वाला क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, एसरेशन वाला और स्टेटमेंट वाला, उनको छोड़ के मैचिंग वाले में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस टॉपिक से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास सीयूटी के लिए, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2023 और 2024 दोनों में आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप के इसके एग्जाम्पल से पूछे हुए थे। ठीक, तो मैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जितने भी टाइप बताए गए सबका यूज हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। ठीक, और इसका यूज हम करेंगे मैचिंग वाले में। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा और समझिएगा, और किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो फिर आप बता सकते हैं, और नेक्स्ट डे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आए एग्जाम में उन सबका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे समझिएगा, अगला टॉपिक हमारे पास और लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायता, सॉल्युबिलिटी या विलायता। ये क्या होता है, तो सिंपल इसका मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए कि सॉल्वेंट है
और वो सॉल्वेंट का वो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में क्या हमारे पास डिजॉल्व होता है, उसमें डिजॉल्व होता है सॉल्यूट। तो कोई भी सॉल्वेंट है, मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना हमारे पास सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है वही क्या कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लीटर पानी है, एक लीटर पानी में आप कितना मैक्सिमम चीनी को घोल सकते हैं, एक लीटर वाटर में आप कितना मैक्सिमम शुगर को घोल सकते हैं, यही क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, सिंपल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट ठीक डैट कैन डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी विलायक में विलेय की अधिक से अधिक जो मात्रा होती है उसमें घुल सकती है वही क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी या विलायता कहलाती है। ठीक हिंदी वाले चाहे तो लिख सकते हैं उसी चीज़ को, अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी कोई आपसे पूछे तो वही सेम लिख सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का वो अधिकतम भाग जो क्या करे डिजॉल्व हो जाए घुल जाए 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम पानी में तो वही किस पे एक किसी निश्चित टेम्परेचर पे तो वही क्या कहलाता है जल का विलयता। हिंदी वाले चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी वाले चाहे तो लिख सकते हैं इसको, हिंदी में लिख लेंगे आप लोग किसी भी क्या बोल सकते हैं विलायक का वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम या 100 ग्राम भी बोल सकते हैं या विलेय का वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम भी बोल सकते हैं या विलायक के भी बोल सकते हैं, सबसे बढ़िया आ रहेगा 100 ग्राम विलायक का, 100% ले सकते हैं 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है उसकी विलायता कहलाता है या सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक तो यहाँ सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे हमारे पास सोल्यूशन क्या था, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या थे, फिर सॉल्युबिलिटी भी पढ़े हम लास्ट में सॉल्युबिलिटी क्या थी। तो यहाँ तक अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे की चीज़ें कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो टर्म आते हैं जिसमें हम लोग मोलरिटी पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मास परसेंटेज पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा राउट ला है, फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।